इंसान। दरवाजे आपके इशारे से खुल जाएंगे। आप जैसे ही फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर के करीब पहुंचेंगे, वो ऑन हो जाएंगे। कैशलेस अर्थव्यवस्था में आपका मोबाइल नहीं, आपका हाथ ही आपका वॉलेट होगा। स्वीडन की कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों को भविष्य के कर्मचारियों में बदल दिया है। टैटू आर्टिस्ट की मदद से इन कर्मचारियों के शरीर में छोटा सा चिप लगाया गया और फिर इस चिप ने इन्हें इशारों में ही वो सब करने की आजादी दे दी जिसके लिए पहले इन्हें अपने पंचिंग कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये चिप नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC को सपोर्ट करने वाले उपकरणों का रीडर इसके करीब पहुंचने पर एक्टिवेट हो जाता है। इस चिप और दूसरे उपकरण के बीच कम दूरी पर एक कम्युनिकेशन होता है जिस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रयोग बहुत संवेदनशील है क्योंकि इस चिप की वजह से आपकी निजी जिंदगी पर हर वक्त किसी न किसी की निगाह लगी रहेगी। यानी आपने क्या खाया, आप कहाँ गए, आपने क्या खरीदा और आपकी सेहत, ये सब डेटा के रूप में स्टोर हो जाएगा और फिर कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। शरीर में चिप फिट किए जाने से भी ज्यादा क्रांतिकारी विचार है दिमाग में इलेक्ट्रोड्स का जाल बिछाए जाने का विचार। उद्योगपति एलन मस्क की नई कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो इंसानों को पूरी तरह से कंप्यूटर में बदल देगा। न्यूरालिंक अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस पर काम कर रही है। इस इंटरफेस की मदद से आपका दिमाग इंटरनेट समेत बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर पाएगा। इस तकनीक की मदद से आप दूर बैठकर भी अपने विचार, डर, खुशी, घबराहट और उम्मीदों को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी आप सोशल मीडिया पर अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। To essentially, I think one of the solutions, the solution that seems maybe the best one is. मुझे लगता है कि एक हल ये है कि हम दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लेयर बिछा दें। जिस तरह से कॉर्टेक्स दिमाग के साथ मिलकर काम करता है, वैसे ही एक डिजिटल लेयर भी काम कर सकती है। Third layer above the cortex, that something that's ये एक तरह से सर्जरी करके किया जाएगा, या फिर इंसानों की ऐसी प्रजातियां विकसित की जाएंगी। The fundamental limitation is input-output. So, we already. देखा जाए तो हम अभी से साइबोर्ग हैं। हम सबका एक डिजिटल वर्जन भी है। ये ईमेल और सोशल मीडिया की शक्ल में है। कंप्यूटर, फोन और एप्लीकेशन के रूप में आपके पास कई सुपर पावर्स हैं। 20 साल पहले के मुकाबले आज हमारे पास काफी ताकत है। आप सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लाखों लोगों को फौरन मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन हमारा आउटपुट अब भी बहुत कम है और ये बहुत धीमा है। अभी हमें मोबाइल में टाइप करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत सुस्त है। You can video conference with anyone. इस तकनीक की मदद से आपका दिमाग तो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन डर इस बात का है कि इंटरनेट के जरिए कौन, कब, कहां और कैसे आपके दिमाग में सेंध लगा दे। यानी आपके विचार और आपकी सूचनाएं चोरी हो सकते हैं और उन्हें हैक किया जा सकता है। जिस तरह तमाम नियम कायदों के बावजूद इंटरनेट को कंट्रोल करना मुश्किल है, ठीक वैसे ही न्यूरा लेस तकनीक पर काम करने वाले इंसानी दिमाग पर भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भविष्य की ये तकनीक इंसानों को बेकार होने से बचा सकती है क्योंकि अगर मशीनें बुद्धिमान होती रही तो इंसान की समझ को जंग लग जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक दिन इस दुनिया पर मशीनों का राज होगा और इंसान उनके गुलाम होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गौर से देखा जाए तो तकनीक के इस युग में हम सब बहुत तेजी से मशीनी होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इंसान और मशीन के बीच का फर्क मिट जाना ही असली विकास है? हमें लगता है कि असली विकास तब होता है जब इंसान को अपनी क्षमताओं और अपनी बुद्धि पर विश्वास हो जाता है। लेकिन दिमाग को मशीन की मदद से संचालित करने की योजनाएं कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं। हो सकता है कि आज से 30 या 40 वर्ष बाद कोई राजनेता अपनी पार्टी की हार के बाद ये दावा करने लगे कि फला पार्टी ने वोटर्स का दिमाग हैक कर लिया था, या फिर वोटर्स के दिमाग के साथ टेम्परिंग की जा सकती है। आज के युग में हमारे नेता सिर्फ इतना कहते हैं कि ईवीएम्स हैक कर ली गई है। भविष्य में ये भी हो सकता है कि नेता ये कहने लगे कि वोटर्स का दिमाग हैक कर लिया गया। राजनीति शायद एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो अब भी पुराने वर्जन पर ही चल रहा है, इसलिए बदलाव का एक चिप राजनेताओं के शरीर और दिमाग में भी फिट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को सुपर कंप्यूटर की रफ्तार से विकास के दर्शन हो पाए। तो प्रिया जी